पूर्वोत्तर में बारिश आम लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। असम में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई है। असम के दीमा हसाओ में आई इस बाढ़ के कारण करीब 20 जिलों में 2,00,000 लोग प्रभावित हो गए। पहले भारी बारिश से पूरा स्टेशन डूबा और फिर तेज हवाओं ने पूरी ट्रेन ही पलट दी। ये तस्वीरें असम के दीमापुर रेलवे स्टेशन की है और ये बता रही हैं कि असम में भारी बारिश और तूफान से हालात कितने खराब हो चुके हैं। उत्तर भारत तेज गर्मी से परेशान है। बारिश की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन यही बारिश असम के करीब 20 जिलों के लिए आफत बन गई है। भारी बारिश के बाद इलाके के ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और यही खतरे का निशान असम के 20 जिलों के लिए खतरनाक बन गया है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। हालात ये हो गए हैं कि सैकड़ों गांवों का संपर्क आसपास के जिलों से कट गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाढ़ ने लोगों का कितना नुकसान कर दिया है। असम में बाढ़ से 20 जिले और करीब 2,00,000 लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा होजाई और दीमा हसाओ जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ से काचर जिले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे 16,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा की खेती बर्बाद हो चुकी है। ऐसा ही हाल होजाई जिले का है। यहाँ 60 से ज्यादा गाँव बाढ़ से तबाह हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए सेना SDRF की टीमों को तैयार कर दिया है। दिन रात भारतीय सेना के जवान यहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले दिनों में बारिश कम होगी, उसके बाद ही शायद असम पर आई इस आफत में कमी आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।